हे गाइस मॉर्निंग, अभी बन रहा है दलिया क्योंकि मैं सुबह सुबह दलिया खाऊंगी। सो गाइस अभी मैं रेडी हो रही हूँ और आज मैंने पहना है वाइट कुर्ता, वाइट फ्लेयर एंड नीचे वाइट जूती पहनूंगी एंड फिर वाइट बैग लूंगी एंड मैं रेडी हो जाऊंगी। और इसका रीज़न है कि वाइट मेरा फेवरेट कलर है, तो इसलिए मैं फर्स्ट डे में वाइट पहनना चाहती हूँ। हे गाइस, दिस साइड दीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हमारा कॉलेज काफ़ी ज़्यादा भरा पड़ा लगने वाला है क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों के कॉलेज आज खुल रहे हैं और आज उनकी ओरिएंटेशन भी है। अगर मैं उसमें गई तो वो भी दिखाऊंगी आपको। और आज मेरी भी क्लासेस है तो मैं जा रही हूँ कॉलेज काफ़ी दिनों बाद, तो चलो चलते हैं कॉलेज। वाइट हील्स, वाइट फ्लेयर, वाइट कुर्ता, आज मैं पूरी वाइट वाइट बनी हुई हूँ। सो गाइस ये रेडी हो रही है अपने कॉलेज के लिए। तो चलो चलते हैं कॉलेज और करते हैं कुछ शैतानियाँ। सो गाइस कॉलेज में एंटर करते हुए सजा हुआ कॉलेज। गाइस टीका लग रहा है यार, रेड लाइट की शॉप है, बाकी का ये रेड लाइट है थोड़ा सा। थैंक यू, थैंक यू। गाइज एकदम अच्छे से वेलकम हो रहा है कॉलेज में, बेशक हम थर्ड ईयर के बट हमारा भी वेलकम बहुत अच्छे से हुआ। ओके तो कॉलेज काफी शहर What had happened to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. गाइस हम मिल चुके हैं पहले का बट एक और बारी जस्ट फॉर व्लॉग, लॉन्ग टाइम नो सी। हाय माही, राम राम। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम, ऑडी जाते हुए इधर चलेगा ओरिएंटेशन मेन। हाय छेत्री, लॉन्ग टाइम नो सी। तुझे तो पहले ही दिखा दिया है। अभी हम हैं कैंटीन में और खाएंगे डोसा एंड चाउमीन। गाइस आज फर्स्ट ईयर वालों के पेरेंट्स भी आए हुए हैं, काफ़ी पेरेंट्स को मैं देख रही हूँ इधर आए हैं अपने बच्चों के साथ। तो मैं जाती हूँ किसी रैंडम पेरेंट्स के पास और पूछती हूँ कि उनको हमारा कॉलेज कैसा लगा। ये मेरी जूनियर है। ओके सो हेलो गाइस, हाय। इधर एक अंकल आंटी है, इनसे पूछते हैं कि इनको कॉलेज कैसा लगा। तो अंकल आंटी आपको कॉलेज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कॉलेज। और आपका कौन बेटा बेटी? हमारी बेटी है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर हिस्ट्री ऑनर्स में। हिस्ट्री ऑनर्स ओरिएंटेशन में भी गए थे और जो इनके डिपार्टमेंटली जो हिस्ट्री ऑनर्स का था उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया। अच्छे हमने क्वेरी भी की उनसे, सबसे मिले, अच्छा उनका रिस्पॉन्स था। मैंने क्वेश्चन भी किए कि पेरेंट्स क्या बात कर सकते हैं आपसे, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल हम अवेलेबल रहते हैं, 9 AM से 5 AM तक हम अवेलेबल हैं, जो भी आप क्वेरी करना चाहें हम आपको बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो इनको तो कॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा अच्छा बोला इन्होंने कि टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और कॉलेज का सारा फैकल्टी आर्ट्स सब कुछ बहुत अच्छा। सो गाइस इधर मुझे एक सब्सक्राइबर मिली थी, तो इसकी भी अभी एडमिशन हुई है फर्स्ट ईयर में, तो मैंने सोचा थोड़ा इनका भी इंटरव्यू ले लेती हूँ। तो अंकल आंटी आपको कैसा लगा कॉलेज? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी तो घूम ही रहे हैं, आगे तो सोच रहे हैं क्या हम कर रहे हैं,
अच्छा अभी पीजी वगैरह ढूंढ रहे हैं, सेटल करके जाएंगे, ऑडिटोरियम में गए थे। हाँ ऑडिटोरियम में गए थे, अच्छा लगा हमको। गर्मी बहुत है। हाँ वो एसी का थोड़ा प्रॉब्लम है ना, रिनोवेशन हो रहा है। बहुत अच्छी थी, हमने थोड़ा शिफ्ट लगे। मम्मी को तो पसंद आ गई बस। हाँ मतलब मैम हमारी अच्छी हैं, स्ट्रिक्ट भी है और मतलब काफ़ी अच्छी है। सही है जो उनके यहाँ रूल्स हैं वो सब समझाए। तभी तो कॉलेज चल रहा है इतना अच्छा। सही बात, सब बढ़िया लगा। तो इनको कॉलेज काफ़ी अच्छा लगा। सो गाइस अभी जो पेरेंट्स मिले काफ़ी ज़्यादा स्वीट थे, सच में उनका नेचर बहुत ज़्यादा था, मुझे बहुत पसंद आया। पहले वाले मिले थे वो भी काफ़ी ज़्यादा स्वीट थे और अभी वाले भी काफ़ी ज़्यादा स्वीट थे। सारे ही अच्छे हैं यार, पेरेंट्स होते ही अच्छे हैं। हाय अरशद, हाउ आर यू गाइस? सबसे स्मार्ट, सबसे स्मार्ट लड़का हमारे डिपार्टमेंट का। बढ़िया, और सब फाइन? गुड। सो गाइस काफ़ी ज़्यादा बातें वगैरह कर दी, काफ़ी पेरेंट्स से मिली और एंड एक पेरेंट्स से मिली थी मैंने, बात की थी एंड उनको कॉलेज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मतलब एक्सपीरियंस उनका नहीं अच्छा लगा और मैंने उनको बोला कि मैं वीडियो में ले लूँ तो उन्होंने मना कर दिया, तो इसलिए मैंने लिया भी नहीं। बट यह कि उनका एक्सपीरियंस पता चल गया कि उनको ऑडिटोरियम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि एसी नहीं थे एंड सीट भी नहीं मिली थी। अभी मैं आई हूँ अपने एक्स पीजी में, पुराने वाले पीजी में। टेरा, कैसे हो? गिला गिला लग रहा। हाँ गिला गिला लग रहा है। खाना खा रहे हो? आज आए हैं छोले चावल प्लस फुलका। सही है, आप खाओ खाना। एकदम कंटेंट बना के आई हो, पूरा सारा वीडियो वगैरह पूरा रिकॉर्ड कर रही थी। ऐसे क्या ऐसे लग रही सुंदर थी मैं? वाइट अच्छा लगता है, मतलब मुझे पसंद है और सूट भी करता है मेरे ऊपर। अपनी तारीफ खुद ही कर रही हूँ बट हाँ गाइज, आज मुझे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले ना, मतलब गर्ल्स आके कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं कि यार यू आर लुकिंग सो प्रीटी, ऐसे ऐसे करके मुझे इतने सारे लड़कियों ने बोला। एंड व्लॉग्स के लिए अलग से तारीफ, मतलब इतने सारे मेरे पास बचे आए थे बट मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई, उस टाइम मुझे ध्यान ही नहीं था, उस टाइम पे मैं तारीफ ले रही थी। तो मतलब दो तीन बार ऐसा हुआ कि वो ग्रुप ग्रुप आया और कि हाँ हमने आपके ब्लॉग्स देखे हैं और हम सारे ब्लॉग्स देखे हैं, तो उस टाइम पे मैं बहुत अच्छा लग रहा था। एंड पेरेंट्स भी, उन्होंने भी देखे हुए हैं मेरे ऑलरेडी ब्लॉग्स, तो वो तो भाई फीलिंग ही अलग थी कि भाई चलो अच्छा लग रहा है, ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं लोगों को। तो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए, थैंक यू, लव यू ऑल। तो आज का ब्लॉग इतना ही था, अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक मेंशन एंड सब्सक्राइब कर देना और हम अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आऊँगी। तो बाय बाय।